गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 10 मई का। फर्स्ट न्यूज है, वॉलमार्ट ने 16 अरब डॉलर में खरीदा फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी। वॉलमार्ट ने 16 अरब डॉलर में खरीदा फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी। सचिन बंसल छोड़ेंगे कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील। यह दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है और दुनिया में ई कॉमर्स का यह सबसे बड़ा सौदा है। वॉलमार्ट के सीईओ ने करीब 16 करोड़ डॉलर यानी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस सौदे का ऐलान जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सोन ने टोक्यो में किया। सचिन बंसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंटरनेट उद्यमी और भारत के बड़े ई कॉमर्स औद्योगिक संस्थान फ्लिपकार्ट के संस्थापक है। फ्लिपकार्ट का कुल मूल्य 20.8 अरब डॉलर का आंका गया है। सचिन मूल रूप से चंडीगढ़ हरियाणा के हैं, जिन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। मासायोशी सोन के मुताबिक सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट का अपना हिस्सा वॉलमार्ट को बेच दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट प्रमुख कल्याण कृष्णमूर्ति और उसके संस्थापक बिन्नी बंसल फिलहाल बने रहेंगे। हालांकि यहां सह संस्थापक सचिन बंसल के जाने की चर्चा चल रही है। भारतीय ऑनलाइन बाजार में यह सौदा काफी बड़े नतीजे पैदा कर सकता है। फिलहाल भारत के 40% ऑनलाइन बाजार पर फ्लिपकार्ट का नियंत्रण बना है। नेक्स्ट न्यूज है, परमाणु करार से अमेरिका के बाहर होने के बाद अब भारत ने दी यह प्रतिक्रिया। अमेरिका मंगलवार को ईरान परमाणु करार से अलग हो गया है। राष्ट्रपति ने ईरान परमाणु डील से बाहर आने का ऐलान किया, आखिर कर ही दिया। यानी बराक ओबामा काल में जो लंबे समझौते के बाद ईरान तथा सुरक्षा परिषद के 5 देशों के अलावा जर्मनी के साथ जो डील हुई थी, अब अमेरिका उससे बाहर हो गया है। ट्रंप ने कहा कि ये डील एक तरफा और विनाशकारी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए नई रणनीति का ऐलान किया। परमाणु करार से अमेरिका के अलग हो जाने पर संभल कर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि सभी संबद्ध पक्षों को मुद्दे का शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करने के लिए रचनात्मक तरीके से संवाद करना चाहिए। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री बोले, हमारे परमाणु हथियार न्याय की तलवार है। उन्होंने कहा कि भारत कहता है कि ईरान के परमाणु मुद्दे का समाधान बातचीत और कूटनीतिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए नई रणनीति का किया ऐलान, जिसमें कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के साथ हुए परमाणु करार से अलग हो रहा है। इस करार पर 2015 में ओबामा प्रशासन ने हस्ताक्षर किए थे। इसके जरिए तेहरान ने अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को उसके परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने की अनुमति देने पर यह सहमति जताई थी। भारत हमेशा से कहता रहा है कि ईरान के परमाणु मुद्दे को बातचीत और कूटनीतिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना जाना चाहिए और ईरान के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक इस्तेमाल के अधिकार का सम्मान भी किया जाना चाहिए। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ठोस दिलचस्पी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ वर्षों की बातचीत के बाद संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना JCPO करार पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट न्यूज है, नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री अगले हफ्ते अंतरिक्ष में करेंगे चहलकदमी। 16 मई को अंतरिक्ष में चहलकदमी करेंगे अंतरिक्ष यात्री।
वाशिंगटन डीसी। मंगलवार को नासा डीसी नासा टीवी पर आगामी अंतरिक्ष चहलकदमी की समीक्षा नासा के दो अंतरिक्ष यात्री तापीय नियंत्रण उपकरण से निकलकर 16 मई को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के लिए तैयार है। नासा ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह चहलकदमी अनुभवी अंतरिक्ष यात्री रिकी अर्नॉल्ड और ड्र प्यूस्टेल करेंगे। पोस्ट में कहा गया कि दोनों अंतरिक्ष यात्री दूसरी बार 14 जून को अंतरिक्ष में चहलकदमी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, दमित्री मेदवेदेव फिर बनेंगे रूस के प्रधानमंत्री। 16 मई को मास्को दमित्री मेदवेदेव को एक बार फिर भारी बहुमत से रूस का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। रूसी संसद ने राष्ट्र मेदवेदेव को चुन लिया गया है। इस पद पर लाने के लिए व्यापक समर्थन दिया। व्लादिमीर पुतिन के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। रूसी संसद ड्यूमा में मेदवेदेव ने कहा कि मैं देश के विकास के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। इस दौरान पुतिन भी वहां मौजूद थे। मेदवेदेव इससे पहले भी 2008 से 2012 तक क्रेमलिन में रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, रूस की व्लादिमीर पुतिन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। 16 मास्को न्यूज, व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में यह चौथा कार्यकाल है। उन्होंने मार्च में हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन 65 साल के हैं, ने ग्रेड क्रेमलिन पैलेस के सेट ड्रूल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन ने 18 सालों से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पुतिन का पहला छह साल का कार्यकाल 2012 में शुरू हुआ था, जबकि दूसरा कार्यकाल 7 मई 2024 को समाप्त हो जाएगा। रूस के संविधान की धारा 81 के अनुसार एक व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकता। राष्ट्रपति चुनाव 18 मार्च को हुए थे, जिसमें 67.54% मतदान हुआ था। पुतिन ने 76.69% वोट हासिल करते हुए अब तक का अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्हें 5.6 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। पुतिन ने आधिकारिक रूप से पदभार संभालने के बाद कहा कि मेरा मानना है कि रूस समृद्ध रूप से शांति में रहे, और उन्होंने कहा, रूस के लिए बेहतरीन काम करने का मेरा हमेशा कर्तव्य रहेगा। हमें उन क्षेत्रों में विकास करना चाहिए जिसमें हम हमेशा से मजबूत रहे हैं। साथ ही साथ हमें कम प्रगति वाले क्षेत्रों में भी काम करना चाहिए। हमें बहुत से फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल रूसी संविधान को 25 साल हो जाएंगे। हमें बदलना चाहिए क्योंकि इतिहास बदलता है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारी जड़ें और हमारे इतिहास से जुड़े भी रहना चाहिए। स्पुतनिक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने रूस के सभी क्षेत्रों में विकास की जरूरत का उल्लेख किया, जो कि सिर्फ एक मुक्त समाज द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। आपके लिए सवाल, कमेंट्स में बताएं आपका नाम, जिला नाम और जिले का नाम अवश्य लिखें, और आगे और स्टेट का नाम भी लिखें, और आगे की वीडियो में 5 लोगों के नाम लिए जाएंगे। क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसमें आपको अपना आंसर, ऑप्शन नंबर आंसर लिखना है, नेम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है एंड स्टेट लिखना है। थैंक यू।